इनका देखो वीडियो रिकॉर्ड कर दूं मैं ये अपलोड होगा ये वाला वीडियो। आप लोगों को एक बात बता दूं कि ना यहाँ पर तो गीदर है ही नहीं, साथ में हमारे पास भी दो तीन गीदर है जिनकी शक्ल देख लो सो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं जू, और मैं नहीं, मेरे साथ पूरी टीम जा रही है बच्चे जा रहे हैं। तो यस, तो हम अभी पैदल चल रहे हैं, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से हम ऑटो लेंगे, देन देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो फिर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूसली देखो और पहुँचो, देखते कहाँ तक पहुँचते। चलो फिर मिलते हैं आगे लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर जगह मैं तुमसे बात करूँगी। हाय बोला। फाइनली हम जू पहुँच गए हैं और इतना रश है ना, देखो इतनी पब्लिक, ओ माय गॉड, मतलब कोरोना के बाद हम पहली बार घूमने आए हैं ऐसी रश में। चल तो गाइस, इसे ना कुछ चाहिए था तो हम जा रहे हैं। ये मुझे लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है? हम तीन लेने जा रहे हैं गाइस। अच्छा, मेरे व्यूवर्स को हाय तो बोल दे। हाय। अच्छा ये बता, आज क्या है तेरा? बेसिकली क्या है ना गाइस, आज इसका मतलब कल बर्थडे था तो इसलिए हम आज संडे है तो आज हम घूमने के लिए आए, क्योंकि कल सैटरडे था तो हम नहीं जा पाए, तो सोचा आज हम आ जाते हैं। तो आज हम आए हैं जू और हमने सोचा कि यहीं से हम कुछ इसे खाने की चीज़ चाहिए तो हम लेने के लिए आ गए। पप्पू ये क्या कर रहा है तू? ओए क्या कर रहा है? हाय तो बोल दे, हाय तो बोल दे। अच्छा देख तो सही। तो गाइस ये कुछ ही नहीं कर रहा, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ये यहाँ से नमकीन ले रहा है। आना तुम कहीं से अगली बार, ये देखो इनका देखो वीडियो रिकॉर्ड कर दूं मैं ये अपलोड होगा ये वाला वीडियो, चिंता मत करो। ले तो ना करो, और ठीक है देखो तुम जो झगड़ा करते ना वीडियो अपलोड होगी तुम्हारी। ओए बाबू इधर झगड़ा कर वीडियो बना भी लगाइए देखो गाइस क्या है ना, अभी ना इतने मुश्किल से हमने टिकट बुक करा है क्योंकि यहाँ पर है ना मतलब ऑफलाइन टिकट नहीं हो रहा था लेकिन ऑनलाइन हो रहा था, और हमारे पास पेटीएम या गूगल पे कुछ नहीं था जिसकी वजह से इतना इशू हुआ, एक घंटा हमारा वेस्ट गया यहाँ पर। बट जो जो भी था, जैसे तैसे करके हमने टिकट बुक करा और हम अंदर एंटर हो गए हैं। अब मतलब क्या ही बताओ आप लोगों में, सिर्फ व्यूज़ दिखाऊंगी, हम नहीं दिखेंगे, सिर्फ व्यूज़ दिखेगा। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में बताना। तो ये ना सबसे पहले जब एंटर हुए तो ये तब का वीडियो है, मतलब एंटर करती ही आपको ये दिखेगा डक वगैरह, और मतलब ये ना फिर इसे शायद नीलकंठ वाला जो गाय होता है ना वो कहते हैं इसको, कहते तो लिखा तो यही था बट। और ये मुझे बहुत प्यारे लगे, ये जो एक पक्षी है जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है, और ये जो फिश वगैरह जो फिशिंग करते हैं ना तो ये अपने चोंच के हिसाब से मतलब चोंच के थ्रू करते हैं। मुझे अच्छे लगे, आप लोग बताना मुझे कि कैसे लगे। ये बताओ ये कविता है वो दीपा है? कविता दीपा दीपा हाय दीपा, ये दीपा है।
हाय बोलो। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं और आपने व्यूज देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे कमेंट में बता दें कि आप लोगों को व्यूज कैसे लगा। खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, साथ में आप लोगों भी एंजॉय करो। और मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना कि आप लोगों को कैसा व्यूज लगा, और भी है वीडियो को पूरा देखना, ठीक है गाइस। देखो आज भाग क्यों नहीं रहे, मतलब भागते ही हमेशा। पिकॉक, पिकॉक अंधेरा हो रहा है बहुत ज्यादा। ये हिरन भाग क्यों नहीं रहे यार, मैंने भागते हुए देखा था जब मैं आई थी पहली बार। ये ना मतलब मुझे याद नहीं आ रहा ये क्या था। ये बेसिकली हिरन थे और ये साथ में ना कुछ जंगली बिल्लियाँ भी, और ये गिदड़ है जो कि मैं वीडियो में आगे बहुत बोल रही थी गिदड़ के बारे में। तो आप प्लीज़ वीडियो देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे पता है आपको वॉइस नहीं आ रही होगी प्रॉपरली, मैंने ना दुआ से रिकॉर्ड करा इस हिरन का, मतलब जो भी वीडियोस वगैरह, क्योंकि ना लास्ट टाइम मतलब जब इससे पहले जो मैंने आपको दिखा है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था, मैं सोचा क्यों ना दुआ से इसको रिकॉर्ड कर। हे गाइस, तो आप लोगों ने अभी गिदड़ देखा होगा, लेकिन हाँ आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ना यहाँ पर तो गिदड़ है ही नहीं, साथ में हमारे पास भी दो तीन गिदड़ है जिनकी शक्ल देख लो। गाइस ये देखो, ये भी है हमारे छोटे छोटे गीदर। गाइस मुझे अभी तक याद है जब मैं बहुत छोटी थी तब आई डोंट नो तब ना ये गेंडे बहुत करीब से दिख रहे, लेकिन अब नहीं दिख रहा। बताओ आपको गीदर देखे कैसे लगा बताओ। खैर यहाँ का गीदर सही है, लेकिन हाँ उससे अच्छा गीदर तो हमारे वाले गीदर बहुत अच्छे हैं। मुझे जानवर है इधर भी गीदर सब मालूम है सब। और सबसे अच्छा वो दो दो दिखाते सबसे आगे वाले जा रहे हमारे छोटे छोटे गिदर। ये देखो गिदर हो गए, क्या हो गया गिदर बोल रहा, इनको बोला इनको बोला ये तो झगड़ा कर रहे दो लोग। हाय गिदर ये दो किधर जा रहे वहाँ पर देख, दो किधर जा रहे वो देखो, दो किधर मैं घर वो जा रहे दो किधर। हाय बोलियो मेरा छोटा सा भालू और भालू और भालू हाय बोलियो साली रंगे बता रहा है इधर है इधर छोटा वाला भालू देखो एक खिलाड़ मारियो भाई अभी ने खिलाड़ ले ले आ हाय रजत, हाय सनी, सनी हाय। तुम काम करो ना बच्चे, कंटेनर वो फिर चला जाएगा, आज आ जाएगा, देखो उड़ गया, बहुत देर आ जाएगा। देखो ये हमारे मंकी देखो कैसे कूद रहे हैं ऊपर, ये मंकी देख छोटा वाला मंकी वाओ चलो दांत देगा उसका, दांत दांत उसका टूटा हुआ है। चलो दो दो है यार हाथी, पानी सूख गया। गाइस जब मैंने इस मगरमच्छ को देखा मैं शौक हो गया, मगरमच्छ ही क्या है, लग नहीं रहा किसी एंगल से कि मगरमच्छ है। तो वहाँ पर एक चौकीदार अंकल थे, तो मैंने उससे पूछा कि वाकई में ये मगरमच्छ है या नहीं है। तो मतलब सिर्फ एक स्विच से एक जवाब आया कि अगर आपको इतना ही डाउट लग रहा था आप जाके उससे मिल के आइए, आपको पता मच लगे जिंदा है या नहीं है। बस अजीब सा लगा। इंसान को भी देखने के लिए झूमने वाला होता है, वाह क्या गाइस ये हमारा एक मंकी कर देते कर देते कर देते इसको घर में रखा। और